एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम 12 से 13 साल के लड़की के लिए कुर्ती बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। लेंथ होगी 36 इंचज़ रेडी, चेस्ट होगी 29 इंचज़, कमर है 26 इंचज़ और चोली की लेंथ हम 12 इंचज़ रेडी करेंगे। कुर्ती बनाने के लिए हमने 1.5 मीटर रियोन का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले चोली कट करेंगे, जिसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें चोली की लेंथ कट करनी है। 12 इंचज़ हमारी चोली की लेंथ रेडी होगी। इसमें हमें 2 इंच कम करके चोली की लेंथ लेनी है, क्योंकि शोल्डर पर हमारी 2 इंच की पट्टी आएंगी, जिससे लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ भी हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से हम फैब्रिक को सीधा कट करेंगे। यहाँ से हमें लेना है चेस्ट का 4th पार्ट और 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई में दबाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। यहाँ से हमें शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाना है, जो कि 3.5 इंचज़ है। आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे। ऊपर आप देख सकते हैं 2 इंच हमने पट्टी के लिए छोड़ा है। 5 इंच हमें लेनी है आर्म होल की लेंथ। फिटिंग का निशान लगाएंगे। अभी हमें आर्म होल ड्रॉ करना है और ये गोलाई हमने 1.5 इंच पर की है आर्म होल की। अब हमें प्लेट्स के निशान लगाने हैं। 3 इंच पर हमने ये निशान लगाया है और जो हमें प्लेट की लेंथ रखनी है वो रखनी है 4। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों पर हम ये प्लेट्स के निशान लगा लेंगे। अभी हम ये बचा हुआ फैब्रिक लेंगे। इसमें से हम शोल्डर पर अटैच करने के लिए पट्टियाँ कट करेंगे। पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच रहेगी। दोनों तरफ शोल्डर पर, बैक और फ्रंट पर ये हमें पट्टी अटैच करनी है। उसके बाद हम हमारी कुर्ती का जो बॉटम बनेगा उसकी लेंथ लेनी है। चोली की लेंथ को हम निकाल देंगे। उसमें जितने भी आपकी कुर्ती की लेंथ रेडी है उसके अकॉर्डिंग हमें ये लेंथ लेनी है फैब्रिक की, और 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मोड़ने के लिए। साइड से हम इसे कट करेंगे। ये हमारी कुर्ती के बैक और फ्रंट पार्ट रहेंगे। जितनी भी हमारी फैब्रिक की चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे कट कर लिया है। ये हो गए हमारे बैक और फ्रंट पार्ट। एक तरफ हम प्लेट्स डालेंगे। चोली पर जो हमने प्लेट डाली है बिल्कुल उसी के साथ हमें प्लेट्स डालनी है। अब हमने ये सीधी पट्टी कट की है। इसके दोनों तरफ हम पाइपिंग निकालेंगे, जिसके लिए हमने ये पट्टी कट की है। दोनों ही हमारी सीधी पट्टियां हैं। दोनों पट्टियों को हम स्टिच करेंगे। राइट साइड इसकी अंदर की तरफ रहेगी। इस पट्टी को हम शोल्डर पर लगाएंगे। इसको अब हमें रॉन्ग साइड टर्न करना है और पाइपिंग निकालनी है।
अब दूसरी तरफ भी हमें पाइपिंग निकालनी है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जितनी मोटी हम पाइपिंग निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग जब हम पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे तो हमारी पाइपिंग कुछ इस तरह से निकल जाएगी। देखिए हमने दोनों तरफ पाइपिंग निकाल ली है। अब ये हमने जो पट्टियाँ कट की है ये शोल्डर पर अटैच करने के लिए की है। इसके भी हम दोनों तरफ पाइपिंग निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए पाइपिंग निकाल लेंगे। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से पाइपिंग निकालनी है। देखिए दोनों पट्टियों पर हमने पाइपिंग निकाल ली है। अब ये हमने चोली के दोनों पार्ट्स लिए हैं। निशान पर हम प्लेट्स डाल लेंगे। इसी तरह से हमें सभी प्लेट्स डालनी हैं। अब हम बॉटम को चोली के साथ अटैच करेंगे। प्लेट्स के साथ ही हमें प्लेट डालनी है। इस तरह से हमारी प्लेट आएंगी। आप अपने पसंद से प्लेट्स डाल सकते हैं। हम यहाँ पे बॉक्स प्लेट्स डालेंगे। सबसे पहले हमें सेंटर में निशान लगाना है। अब यहाँ से प्लेट तक हम मेज़र करेंगे जो कि 6 इंच है। यहाँ पे हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है। अब सेंटर से प्लेट तक मेज़र करेंगे जो कि 2 इंच है। सेंटर से इस तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो भी हमारा बीच में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है इसकी हम प्लेट डाल लेंगे इस तरह से। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से प्लेट डालनी है। अब बैक पार्ट पर भी हम इसी तरह से प्लेट डाल लेंगे। देखिए हमने प्लेट्स डाल ली है और ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। इसके सेंटर में हम सीधा निशान लगाएंगे। देखिए सेंटर में हमने सीधा निशान लगा लिया है। इसके ऊपर हमें पट्टी अटैच करनी है जिसकी चौड़ाई रहेगी 1 इंच। देखिए हमने ये सीधी पट्टी ली है। सेंटर में हम इसको अटैच करेंगे।
दूसरी तरफ से भी पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब शोल्डर के लिए जो हमने पट्टियाँ रेडी की थी उनको अटैच करेंगे शोल्डर के साथ, और ये सीधी पट्टी, इसको हम रॉन्ग साइड अटैच करेंगे, लेकिन जो हमारी दोनों पट्टियाँ हैं वो रहेंगी राइट साइड ऊपर की तरफ। और एक तरफ हमने आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है आर्म होल पर, इस तरफ भी हमें आधा इंच फैब्रिक छोड़ना है। दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। अब शोल्डर पर जो हमारी पट्टी आएंगी उनकी लेंथ का हमें निशान लगाना है, जो कि 6 इंच है। एक्स्ट्रा पट्टियों को कट करेंगे। अब हमें कुर्ती का दूसरा पार्ट लेना है। इस तरह से शोल्डर पर पट्टियों को मिला लेंगे। आर्म होल वाली साइड हमें आधा आधा इंच फैब्रिक छोड़ना है। यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगानी है और पट्टी को राइट साइड टर्न करेंगे, और राइट साइड से भी हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये तिरछी पट्टी कट की है आर्म होल पर अटैच करने के लिए। पट्टी को हमें सेंटर से मोड़ना है और राइट साइड से हम पट्टी को आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। अब पट्टी को हमें रॉन्ग साइड टर्न करते हुए सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी को अच्छे से अंदर की तरफ दबा देंगे। अब पट्टी पर हमें बटन अटैच करने हैं। बटन हमने कुर्ती पर लगा लिए हैं। अब साइड में हम पॉकेट बनाएंगे। चोली से हमें लेंथ का निशान लगाना है 4 इंच पर हम पॉकेट बनाएंगे। फिटिंग का निशान लगाना है। देखिए पॉकेट बनाने के लिए हमने ये स्क्वायर पीस कट किया है, जिसकी लेंथ है 5 इंच और चौड़ाई भी 5 इंच ही है। सीधी पट्टी पाइपिंग के लिए कट की है, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंचेस है। पॉकेट के एक साइड हमें पाइपिंग निकालनी है। राइट साइड पट्टी को रखते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आप पाइपिंग को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे। पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ते हुए हम
पॉकेट को अटैच करेंगे। जो सेंटर में हमारी पट्टी है जिस पर हमने बटन अटैच किए हैं उससे 2 इंच साइड में हमें पॉकेट को अटैच करना है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पॉकेट बना लेंगे। दोनों तरफ हमने पॉकेट लगा ली है। अब दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हमें फिटिंग करनी है। दोनों साइड से कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे और जितनी भी हमें लेंथ रेडी करनी है उसका निशान लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ लेंगे। उसके बाद हमारी कुर्ती बनके रेडी हो जाएगी। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।